तो लीजिए दोस्तों, ये हैं कुछ कॉमिक्स परमाणु की, कुछ ओल्ड कॉमिक्स। सबसे पहले रहेगी हाहाकार। जी हाँ दोस्तों, हाहाकार मचाने आ गई है ये चुड़ैल। और ये इसकी, ये पीछे की तरफ देखिए, राज कॉमिक्स की अनोखी कॉमिक्स रोड रोलर। तो चलिए देखते हैं अंदर से परमाणु का धधकता हाहाकार। ये ओल्ड कॉमिक्स है जिसका MRP यहाँ दिखाया गया था सिर्फ 15 रुपये। तो ये मेरे पास कुछ कॉमिक्स थी, सोचा चलो अपने कॉमिक्स प्रेमियों को दिखाते हैं। और ये पीछे की तरफ कुछ ज़बरदस्त ऐड भी दी हुई हैं, ये देखिए। ये थी राज कॉमिक्स के कुछ ज़बरदस्त कॉमिक्स। और ये तीन कर्फ्यू, डोगा, गोजो और अश्वराज की धमाकेदार ऐड, कितनी शानदार ऐड है। उस समय ये तीन ऐड काफ़ी कॉमिक्सों में आया करती थी। और ये नॉवल्टी जो कि हमें कभी मिली ही नहीं थी, थ्रिलर हॉरर सस्पेंस के। और ये जो इस तरह के जो आते थे ना, बाके लाल, ये परमाणु, ये काफ़ी ज़बरदस्त हुआ करते थे। और ये है रोड रोलर, एक इसके भी काफ़ी ऐड आया करता था रोड रोलर का। और इसके बाद ये है रिवॉल्वर परमाणु, मूल्य 15 संख्या 11। ये एक ओल्ड कॉमिक्स है जो कि उस समय सिर्फ 15 रुपये की आती थी। और ये देखिए इसकी स्पाइन रिवॉल्वर। और चलिए ऐसे करते हैं, अंदर की ओर खोलते हैं और देखते हैं ये कॉमिक्स। ये देखिए, ये एक ओरिजिनल रीप्रिंट नहीं है, ये ओरिजिनल इशू है। ये ऊपर की तरफ तुरीन, और ये यहाँ देखिए परमाणु के जन्म की कहानी, कैसे बना था परमाणु। और ये देखिए काफ़ी शानदार कॉमिक्स है। अगर आपने ये कॉमिक्स अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप संजय सर से, मनोज सर से, मनीष गुप्ता जी से हम कहेंगे कि इन कॉमिक्सों का जल्दी से रीप्रिंट करें और इन्हें मार्केट में लेकर आएं। और ये आ गई है रोड रोलर, और ये परमाणु की कॉमिक्स गैंगस्टर की एक ज़बरदस्त ऐड। और ये कर्फ्यू, गोजो, अश्वराज, ये तीन एक्टर सुपरस्टार एक साथ आए थे राज कॉमिक्स के। और ये पीछे की तरफ वही मास्क, और ये कुछ एक फिर आया नागदंत, तहलका, चुम्बा का चक्कर व्यू। और ये देखिए गगन, विनाशदूत, कॉम्बो, शैतान, काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, इसका भी आपको रिव्यू करके दिखाएंगे शैतान का। ये है ब्लैक बेल्ट परमाणु, मूल्य 16 संख्या 28 है, पता नहीं क्या था। और ये देखिए पीछे की तरफ कौन है, प्रताप मल्लिक जी, ये रहे। तो कई कॉमिक्सों में प्रताप मल्लिक जी भी दिख जाया करते थे। और ये एक रीप्रिंट है, और काफ़ी अच्छी कहानी बनाई गई थी इस कॉमिक्स की, काफ़ी दमदार। मैंने भी अभी पढ़ी थी, पहले मेरे पास ये कॉमिक्स नहीं थी, तो जब मैंने इसकी कहानी पढ़ी मुझे मज़ा आ गया कॉमिक्स पढ़ने में, काफ़ी दमदार कहानी थी। इसे एक परमाणु को एक वीरान ग्रह पर छोड़ आता है ये विलेन, और वहाँ से कैसे वापस आता है, एक दमदार रोमांचक कॉमिक्स। और ये ध्रुव शक्ति, डोगा शक्ति की एक ऐड दी गई है इसके अंदर। और ये दोनों कॉमिक्सों का रीप्रिंट होकर आ गया है, कोबी और भेड़िया का भी। और ये सूरमा, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त कॉमिक्स है सूरमा, जिसमें विलेन है डॉक्टर वायरस। परमाणु पागल है, जी हाँ दोस्तों, परमाणु पागल है। ये है फर्स्ट प्रिंट, किक मी प्लीज, फर्स्ट प्रिंट है ये परमाणु का, इस कॉमिक्स का। ये देखिए नीचे की तरफ ये डिटेल भी दी गई है। और ये कॉमिक्स का MRP था 20 रुपये, पेजेस इसके नॉर्मल ही हैं, काफ़ी अच्छी कहानी है इसकी भी। तो ये कुछ है मेरे पास कॉमिक्स थी परमाणु की, सोचा चलो इनकी आपको दिखा देते हैं वन बाय वन सारी कॉमिक्स। और ये देखिए, ये यहाँ होती है कहानी ख़त्म। और ये पीछे की तरफ ये कुछ ऐड दी गई हैं, जिसमें प्रहारा भोकाल की शानदार कॉमिक्स 2001 में आई थी ये। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं इसमें ये कुछ एक निकाली थी, ये देखिए कांटे, भेड़िया, और ये death.com जिसका मूल्य है 20 रुपये। और ये अब नागराज हो गया है, शक्तिहीन नागराज। इसके बाद ये है अंतिम युद्ध, काफ़ी दमदार इसका आर्टवर्क है। ये देखिए एक तरफ खड़ा है परमाणु, नीचे सेना दिखाई गई है, और इसके अंदर शक्ति का भी अहम रोल है इस कॉमिक्स के अंदर। और ये फर्स्ट प्रिंट है, ये कोई रीप्रिंट नहीं है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है इसकी, और दमदार आर्टवर्क है, शक्ति भी काफ़ी अच्छी लग रही है इसके अंदर। अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो ये कॉमिक्स तो आपको पढ़नी ज़रूर बनती है। जल्द ही इसका भी हमें रीप्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो समझता क्यों नहीं डोगा, पर काले
जी हाँ परकाले और तू समझता क्यों नहीं डोगा। यह है नास्तिक परमाणु का एक विशेष अंग। और ये देखिए परमाणु क्या जबरदस्त लग रहा है ऊपर रावण की तरह कई रूप के अंदर। और ये भी एक रीप्रिंट नहीं है, ओरिजिनल प्रिंट है। ये कुछ डिटेल दी गई है कॉमिक्स की और इसकी भी अच्छी कहानी है नास्तिक की। तो ये सभी कॉमिक्स हमें रीप्रिंट के रूप में देखने को मिल जाएंगी श्री मनीष गुप्ता जी के रूप में। उन्होंने कहा था कि वो सारी कॉमिक्स लेकर आएंगे। और ये परमाणु की देखिए किंग लूना, मौत के पुतले, रेड भेड़ाक्ष, आतंकवादी नागराज। और ये है लास्ट कॉमिक्स इंस्पेक्टर गोल्ड, जिसमें दमदार अभिनय किया है इंस्पेक्टर स्टील और परमाणु ने। ये भी फर्स्ट प्रिंट है, कुछ एक पड़े थे ये सोचा चलो दिखाते हैं अपने कॉमिक्स प्रेमियों को। ये दमदार कॉमिक्स हैं इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु और इस तरह के मेरे पास और भी कॉमिक्स हैं ड्यू के अंदर, जिसमें परमाणु तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील तिरंगा, मतलब इस तरह के ड्यू के अंदर कॉमिक्स आई है और काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है, स्टोरी काफ़ी अच्छी है। ये कॉमिक्स अभी हमें देखने को नहीं मिल रहे, ये कुछ ऐड दिए गए हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस के, ये कॉमिक्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये देखिए भाड़ में जा डोगा से अगर शादी कौन करेगी, लेडी डोगा मोनिका तू भाड़ में जा तू भाड़ में जा। ये 2003 में आई थी, MRP 20 रुपये। तो ये कॉमिक्स पता नहीं अब मिलेगी देखने को नहीं मिलेगी, नाम तो बड़ा अच्छा है भाड़ में जा, देखते हैं इसकी अनाउंसमेंट होती है नहीं होती है भाड़ में जा। और ये देखें इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु का टकराव भी देखने वाला है इस कॉमिक्स के अंदर। और ये कुछ ऐड दिए गए हैं, ये देखिए यहाँ कानून के हाथ इंस्पेक्टर स्टील। और ये वही पुराना जल्लाद भेड़िया, काफ़ी अच्छी लग रही है ये भी वही पुराना जल्लाद। कॉमिक्स तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आई थी, अब धीरे धीरे रीप्रिंट हो रही हैं। कानून के हाथ, वही पुराना जल्लाद। और ये है सुपर हीरो परमाणु, क्या दमदार आर्टवर्क है। ये कॉमिक्स 2003 में आई थी, युग हत्यारा शक्ति की है युग हत्यारा। और ये है डॉक्टर वंडर और घुस्सा हिंदुस्तानी, वाह भाई वही भी अच्छी लग रही है घुस्सा हिंदुस्तानी। तो ये कुछ कॉमिक्स थी फ्रेंड, आई होप आपको आनंद आया होगा ये वीडियो देखकर।